Yes, students, welcome back to the next activity, that is demonstration of electromagnetic induction. I can say I'll be demonstrating the small activity which was actually performed by Michael Faraday, which led to the discovery of electromagnetic induction. Here in my hand you can see there is a syringe which is utilized to administer injection to the patients. I have simply utilized this syringe in order to have a hollow cylinder, nothing else. On this syringe you can closely see that there are close windings of copper wire. बहुत सारे copper wire को नजदीक नजदीक मैंने wind कर रखा है और उसके दोनों ends को मैंने इस LED से light emitting diode, ये एक छोटा सा bulb है, उसके दोनों एंड्स को मैंने इस एलईडी के साथ में ज्वाइन कर रखा है। एलईडी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या है, ये एक कॉयल है, सिंपल कॉयल है, उसके दोनों एंड्स को मैंने एलईडी से ज्वाइन कर रखा है। बाकी इसमें ना तो कोई सेल है ना कोई बैटरी कनेक्टेड है, कोई करंट नहीं है, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। एलईडी इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि बहुत थोड़ी सी करंट से भी एलईडी जल जाता है, इसलिए हम लोग एलईडी लेते हैं। Now, in my hand you can see I am having this button shaped magnet. ये button shaped magnet आपको दिखाई दे रहा होगा, ये button shaped magnet बहुत powerful है, आप जानते हैं। केवल दो मैंने magnet ऐसे लिए हैं, lithium के बने हुए ये magnets हैं, लेकिन बहुत powerful है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे Faraday ने क्या किया था, coil की तरफ इस magnet को लेकर आए थे। कॉइल की तरफ जब हम मैग्नेट को लेकर आते हैं, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पर करंट आएगी। हम लोग देखेंगे पहले कि ये मेरे पास में मैग्नेट है, मैग्नेट को मैं इस कॉइल के नज़दीक लेके जाऊँगा, तो जब ये मैग्नेट दूर है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें से पास होगा वो कम पास होगा। जैसे ही मैं इसके नज़दीक ले जाऊँगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगी। चाहे ये इधर मूव करे मैग्नेट और या इधर मूव करे, मैग्नेट जब तक मूव करेगा तब तक फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में से। मैं अभी बाहर दिखा रहा हूँ, वास्तव में मैं इसको अंदर डालने वाला हूँ, इस सिरिंज के इसके अंदर डालूंगा ये मैग्नेट। जब इसके अंदर मैग्नेट मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा इंडक्शन होता है। आप जानते हैं फैराडे ने अपने लॉ में कहा था, हम इसको अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार एक लाइट ही केवल ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से नज़र आए। एक लाइट मैंने ऑफ कर दी है। अब मेरी इस सिरिंज के अंदर, बैकग्राउंड में ये आए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं इस सिरिंज के अंदर में ये मैग्नेट इंसर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैग्नेट मैंने इंसर्ट कर दिया है सिरिंज के अंदर, और इसके दोनों सिरे मैंने ऐसे पकड़ लिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको शेक करूंगा और आप चेक करिएगा कि क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं। ट्राई कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। जल रहा है ना बेटा, ये वाइट वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है बीच बीच में, ये जो वाइट है ये बल्ब की ही रोशनी है, ये बल्ब जल रहा है, इजंट इट। तो अब इसको और अच्छे से आप देखना चाहते हैं तो मैं दूसरी लाइट भी ऑफ करवा देता हूं। एक बार ये दूसरी लाइट भी आप ऑफ करिए, तब तक आप इस सिरिंज को देखिए। अब मैंने दूसरी लाइट भी ऑफ करवा दी है, इस पे फोकस करें। नाउ अब भी मैंने मोशन स्टार्ट नहीं किया है इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ही मैं मोशन स्टार्ट करता हूँ बल्ब को देखिएगा, बल्ब जलना शुरू हो गया है ना, मोशन से बल्ब जलना शुरू हुआ। मोशन से ही क्यों बल्ब जलना शुरू हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं इसका कारण? बिल्कुल सही है, जब आप इसको मूव करेंगे तो मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इंड्यूस्ड करंट आती है, उस इंड्यूस्ड करंट के कारण ये बल्ब जलने लगता है। तो फैराडे का ये लॉ हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लिया, इजंट इट। सो वी विल बी डिस्कसिंग रेस्ट इन आवर थ्योरी। थैंक यू टू ऑल।